हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम इग्नू के बुक का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये बुक आज मुझे मॉर्निंग में रिसीव हुआ, एक स्टूडेंट का बुक है। तो किस कंडीशन में बुक रिसीव होता है उसके बारे में बात करेंगे। आपने बुक के लिए पेमेंट कर रखा और अभी तक आपकी बुक नहीं आए तो आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने बुक का स्टेटस कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हो, बुक के रिगार्डिंग में अगर आपको कोई कंप्लेन करना है तो उसको कैसे कर सकते हो, आप उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आपकी बुक अभी तक नहीं आई है तो कितना टाइम लगेगा आने में, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ कि इग्नू की जो बुक है किस तरीके से रिसीव होता है। तो जो जब भी आप एडमिशन करवाओगे ना इग्नू के अंदर में, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जा रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर के अंदर में न्यू एडमिशन करवा रहे हो, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे ऑप्शन आता है बुक लेने का और नहीं लेने का, दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप बुक लेते हो तो जो भी आपकी फ़ीस है आपको पूरी फ़ीस पे करनी पड़ती है। अगर आप बुक लेने से मना करते हो कि मुझे इग्नू की जो हेल्प बुक है, सपोर्टिंग मटेरियल है, वो नहीं चाहिए, स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, तो आपके फ़ीस में से 15% 14% और अलग अलग रहता है, तो उसमें से डिस्काउंट आपको मिल जाता है। आपकी टोटल फ़ीस में से 15% 14% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी बुक के लिए पेमेंट किया होगा तो उसको इस तरह की बुक रिसीव होने वाली है। तो रिसीव होने के भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये रहता है कि आपको डायरेक्ट ऑनलाइन मोड से रिसीव होगा, मतलब डोर डिलीवरी की जाएगी आपके घर तक, डोर डिलीवरी होगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर तक पहुँचाया जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हो, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, तो जो भी आपका रीजनल सेंटर पड़ेगा जहाँ पे स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग में वर्क किया जाता है, वहाँ से आपको मैसेज आ जाएगा कि आप अपना बुक यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर से जाकर अपना बुक आप कलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर डायरेक्ट आपकी बुक आ जाती है। उसका कंडीशन एक और ये भी रहता है कि अगर मान लो आपका बुक डोर डिलीवरी के लिए निकला है घर तक पहुंचने के लिए और आपकी बुक घर पे नहीं पहुंच पाई, एड्रेस नहीं मिला, आपका फ़ोन नंबर नहीं मिला, तो उसके बाद भी क्या होता है कि आपका जो बुक है वो डायरेक्टली आपके रीजनल सेंटर वो वापस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और आपने अपने रीजनल सेंटर से उठाना होता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो ये बुक मुझे रिसीव हुआ। अगर मैं इसके सबसे पहले कंडीशन के बारे में बात करूं कि किस तरह का कंडीशन है बुक का, तो देखोगे यहाँ पे तो थोड़ा सा इधर से फटा चिटा है, पूरा इसी तरीके से रिसीव हुआ, अभी तक मैंने इसको टच भी नहीं किया प्रॉपर तरीके से कि क्या है, इधर से पूरा फटा हुआ है। तो इसी तरीके से रिसीव होता है, कुछ नया बात नहीं है। और रीज़न इसका ये भी रहता है कि एक बुक नहीं होती कि आपको प्रॉपर एक बुक हैगा, प्रॉपर पार्सल ले जाकर पहुंचा रहे हैं आपके घर तक में, वहाँ पे हज़ारों बुक आती हैं और हज़ारों बुक उठा के इधर से उधर फेंकी जाती हैं, तो जो बाहर की कवर है वो उस तरह से तो फट जाता ही है, नॉर्मल सी बात है। अंदर से बुक ऑलमोस्ट नंबर ऑफ टाइम अच्छी रहती है, अच्छी कंडीशन में रहती है। कई बार होता है, रेयर चांस होता है कि जहाँ पे आपकी बुक को डैमेज पहुँचता है, बुक को नुकसान पहुँचता है। अगर बुक को नुकसान पहुँचता है तो आप इंडियन ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हो, इवन अपने जो आपका रीजनल सेंटर है वहाँ पे भी कंप्लेन डाल सकते हो, ऑनलाइन मेल कर सकते हो, जिसके बाद वो एक्शन लेते हैं। अगर बुक की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो बुक को एक्सचेंज भी किया जाता है। एक्सचेंज करने का प्रोसेस क्या रहता है, नॉर्मली अगर मान लो बुक आपके ख़राब निकल गया, उसके अंदर में कुछ कमी है, किसी तरह के पेज मिसिंग है या पेज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हो रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका रीजनल सेंटर पड़ता है या जो भी आपका पब्लिकेशन हाउस है वहाँ पे जाकर आप कंप्लेंट डाल सकते हो, मेल डाल सकते हो, उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाता है। पर उसके चांसेस रिटर्न होने के बहुत लंबा प्रोसेस होता है, वो किसी और वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे डिटेल में। बुक छपती कहाँ है इसके बारे में बात करूँ तो इग्नू का जितनी भी बुक छपती है ना ऑल ओवर इंडिया के अंदर में, सारी बुक इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैदानगढ़ी साकेत के पास में पड़ता है, ठीक है, वहीं से सारी बुक को डिस्पैच किया जाता है, चाहे आप किसी भी जगह बिलोंग करते हो यहीं से जाती है आपकी बुक। अब थोड़ा सा डिटेल में हम इस बुक के बारे में चर्चा करते हैं। ये बुक का पूरा प्रोटोटाइप होता है, इसी तरह का बना होता है, इसी तरह के ब्राउन पार्सल के अंदर में आपकी बुक आती है और जितनी भी बुक होगी ना आपकी वो दो बार में आपको रिसीव होने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं इस बुक को काट दूँ तो इसी तरह से ये रस्सी उसी बंधी होती है, इसी तरह के रस्सी में आपकी बुक आपके तक पहुँचने वाली होती है, ये रहता है। ये बीए की बुक है, बीएजी प्रोग्राम कोड हो गया, ठीक है, बीए की बुक है। इस तरीके से आपका टेप वेप नहीं लगा कि टेप लगा हुआ है, और जो ये ब्राउन पेपर भी होता है ऐसा हल्का ब्राउन पेपर नहीं होता, इसके अंदर में मतलब एक तरह से ना कोटिंग होती है कॉटन की, जिसके बाद ये थोड़ा मजबूत हो जाता है और थोड़ा अच्छा रहता है। बुक के कंडीशन में भी अगर आप देखोगे ना डैमेज कम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे होंगे जिन्होंने जुलाई सेशन के लिए या किसी और सेशन के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया होगा पर अभी तक उनको बुक रिसीव नहीं हुआ, तो उनको करना क्या है, कैसे उनकी बुक रिसीव हो सकती है इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि मैंने एक वीडियो डाल रखा था नव इन्फो पे जहां पे हमने बात किया था कि अगर बुक आपको रिसीव नहीं हुआ अभी तक तो बुक का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपका बुक वहां से डिस्पैच हुआ भी है या नहीं हुआ है। क्या पता आपका बुक अभी तक डिस्पैच हुआ ही ना हो और आप खामखा परेशान रहो कि मुझे बुक नहीं मिल रही, बुक नहीं मिल रही। तो सबसे पहले आपको अपना बुक का स्टेटस चेक करना है। बुक का स्टेटस कैसे चेक करोगे, तो इग्नू की साइट पे जाकर डायरेक्टली अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करके वहाँ से भी अपनी बुक का स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपके बुक का स्टेटस क्या है, बुक डिस्पैच हुई है या नहीं हुआ है उसको चेक कर सकते हो। और
गूगल प्ले स्टोर के ऊपर में भी इग्नू के कुछ एप्लीकेशन हैं जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट एप्लीकेशन हैं जिससे आप अपने बुक का स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर आपके बुक का स्टेटस दिखा रहा है कि आपका बुक डिस्पैच हो चुका है, तो जो भी तरीके से डिस्पैच हुआ होगा, जिस पोस्ट ऑफिस के थ्रू आ रहा होगा, इंडियन पोस्ट ऑफिस या जो भी होगा, उसका ट्रैकिंग नंबर और बाकी चीज़ें वहाँ से मिल जाती है, तो वहाँ पर आप उसको ट्रैक कर सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है कि जो भी आपका रीजनल सेंटर है वहाँ पे आप डायरेक्टली जा सकते हो, रीजनल सेंटर में विजिट कर सकते हो। रीजनल सेंटर में विजिट करके वहाँ पर क्या है, किस तरह की कंडीशंस है, उसको देख सकते हो कि बुक कब तक आने वाला है, वो आपको गाइड प्रॉपर कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली इग्नू की बुक थोड़ी हैवी होती है, तो 2 से 3 पार्ट में बुक पहुँचता है। जैसे ये BAG जिस स्टूडेंट का बुक है ये, ठीक है, टोटल 4 बुक रिसीव हुआ है उस स्टूडेंट को। ठीक है, यहाँ पे देख पाओगे 4 बुक है, 1st, 2nd, 3rd और 4th, 4 बुक टोटल रिसीव हुआ है। तो ये चारों बुक रिसीव हुआ, टोटल 8 बुक आनी थी, पर यहाँ पे 2 पार्ट में रिसीव हुआ। फर्स्ट पार्ट का बुक यहाँ पे हमें रिसीव हो चुका है जिसमें 4 बुक था, और 4 बुक और आएंगी। ठीक है, इग्नू की बुक नॉर्मली भारी होती है, तो इसके कारण से 2 बार में 3 बार में रिसीव होता है, जितना आपकी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से 2 से 3 बार में आता है। थोड़ा टाइम लग जाता है बुक आने में, पर बुक जो भी होती है ना बहुत ही यूज़फुल होती है। आपको इसकी यूज़फुल कितनी है आपको ये समझ में आएगा तब। आप कोई भी आपके आसपास पास में अगर कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई स्टूडेंट UPSC एस्पिरेंट है, ठीक है, तो उससे पूछो कि इग्नू को बुक की वैल्यू क्या है, वो आपको बताएगा। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर UPSC की तैयारी कर रहा है ना, तो UPSC के अंदर में मतलब बेस्ट बुक के तौर पर इग्नू की बुक को प्रेफर किया जाता है। इग्नू के बुक के जो कंटेंट होते हैं बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं, बट सभी स्टूडेंट के लिए इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अगर आप मतलब सीजनल स्टूडेंटों की महीने के में लास्ट दिन ही पढ़ना है आपको, एग्ज़ाम वाले टाइम पे ही पढ़ना है, तो आपके लिए बुक इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं होने वाली है। बट अगर मान लो आप स्टूडेंट ऐसे हो कि जो साल भर पढ़ने वाले हो और साल भर पढ़कर अच्छे नंबर से पास करना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बुक रिसीव कर सकते हो। और अगर कुछ और भी डाउट हो बुक रिगार्डिंग में कि एक बुक कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो कि नॉर्मली इन बुकों की कंडीशन भी अगर मैं देखूँ ना, तो कंडीशन ठीक है, जबकि जो इसका पूरा जो बाहर का आउटर जो उसका वो पैकेजिंग था पूरा फटा हुआ था। ठीक है, पूरा फटा हुआ था, ऊपर से भी देखोगे तो पूरा फटा हुआ था, बट अंदर की जो कंडीशन है ना दोनों बुकों की, सारी बुकों की कंडीशन अच्छी है, कहीं से भी फटी चिटी नहीं है। अंदर की भी अगर देखें पेजेस भी, तो पेजेस भी सही है अंदर की। ठीक है, कंटेंट मतलब कुछ ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ ही नहीं है, कंटेंट ज़्यादा क्या कम क्या नुकसान हुआ नहीं है। तो बुक अच्छे कंडीशन में पहुँचा है, 4 बुक रिसीव हो चुकी है, 4 बुक और आनी है। जिस स्टूडेंट का ये MBA की जो BA प्रोग्राम का कोर्स है उनकी बुक की मैं बात करूँ, तो अगर आपके बुक अभी तक नहीं रिसीव हुआ आपको, तो सबसे पहले आपको बुक का स्टेटस चेक करना है कि बुक का स्टेटस क्या है। बुक आने में ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन का टाइम लगता है एक बार डिस्पैच होने के बाद, क्योंकि जो भी डिस्पैच होता है ना एक स्टूडेंट का डायरेक्ट डिलीवरी नहीं होता, तो धीरे धीरे टाइम लगता है। तो 15 से 20 दिन का ऑलमोस्ट टाइम लग जाता है एक बार बुक डिस्पैच होने के बाद। ठीक है, तो 20 दिन तो आपको लगना है। एडमिशन हुआ, एडमिशन होने के नेक्स्ट डे से आप बुक चेक करोगे तो नहीं होता। एडमिशन एक बार लेने के बाद सबसे पहले एडमिशन कंफर्म करवाना पड़ता है। एडमिशन कंफर्म हो गया, एडमिशन कंफर्म होने के मतलब एडमिशन कंफर्म होने में 60-70 दिन लग जाते हैं, उसके कंफर्म हो गया फिर महीने भर के अंदर में आपका बुक रिसीव हो जाएगा। बुक अगर रिसीव नहीं हुआ तो जो भी आपका रीजनल सेंटर है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो, वहाँ पे बता सकते हो। इवन आप इग्नू को मेल भी कर सकते हो। ठीक है, iGram करके ना इग्नू का एक साइट है। ठीक है, आप डायरेक्ट गूगल पे जाओ, वहाँ पे लिखो iGram इग्नू, वहाँ पे आपको इग्नू पे कंप्लेन करने का ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ पे आप डायरेक्टली मेल डाल सकते हो, जिसके बेसिस पे जो इग्नू है आपके बताएगा कि आपका बुक मतलब कब तक डिस्पैच होगा, क्या होगा। वहाँ पे बहुत जल्दी रिप्लाई मिलता है, तो वहाँ पे उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो ये 4 बुक इस स्टूडेंट का रिसीव हुआ, बुक की कंडीशन अच्छी है, कुछ ज़्यादा चीज़ें हम बोल नहीं सकते, इंडियन सर्विस के थ्रू है, बुक अच्छी कंडीशन में रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूँगा, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो बुक के रिगार्डिंग में, तो आप अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हो। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।